अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप कि सब ठीक ठाक होंगे, फिट एंड फाट होंगे, खैरियत से होंगे, खुशपाश होंगे। जनाब, काफ़ी टाइम बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस लेकर। कुछ मसरूफियात की वजह से वीडियोस नहीं बना सकी, अब जी वीडियो बन रही है तो आप देख सकते हैं जनाब। ये इस तरह कुछ पिनटेक्स डाल के, चार पिनटेक्स डाल के मैंने डिज़ाइनिंग की है। फ्रॉक है ये, और बटरफ्लाई लगाया है एक, और ये सिर्फ एक साइड पर डिज़ाइनिंग की है। कुछ इस तरह से इसका लुक आ रहा है, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। और जनाब नीचे की तरफ देख सकते हैं, इस तरह मैंने फ्रिल लगाई है, ये देख सकते हैं जनाब। कुछ इस तरह से इस फ्रॉक का लुक आ रहा है। और ये इसका बैक साइड है, बैक साइड पे मैंने जी दो बटन लगाकर ये बटन पट्टी लगाई है, और विदाउट स्लीव्स ये फ्रॉक है, ये देख सकते हैं। और जनाब ये देख सकते हैं, ये दूसरा फ्रॉक है। दूसरे फ्रॉक में ये ऑलरेडी इसके ऊपर गला बना हुआ था, तो हमने कुछ इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग कर ली। गले से कुछ पट्टियाँ जो बची हुई थी, वो पट्टियाँ इस तरह से लुक बना ली है। एल टाइप का ये दोनों तरफ से लुक आ रहा है, देख सकते हैं जनाब आप। और इसकी जो चुनटे हैं वो सिर्फ जो हमने डिज़ाइनिंग की है वहीं पर चुनटे डाली हैं। और ये इसका बैक साइड है, बैक साइड भी कुछ इस तरह बटन पट्टी बनाया है। और बटन पट्टी के अलावा जी नीचे ये देख सकते हैं किस तरह इसका जो घेरा है इसके साथ अटैच किया है। और ये तीसरा फ्रॉक है, झबला स्टाइल में जो फ्रॉक आते हैं वो है, और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है बच्चों पर, न्यू बॉर्न बच्चों पर पहने हुए ये ड्रेसेस बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जो हम रेडीमेड लेते हैं, रेडीमेड से ज़्यादा इनका लुक अच्छा आता है। ये देख सकते हैं, ये गला कटिंग होकर और नेफा जिस तरह हम बनाते हैं शलवार का, उस तरह नेफा बनकर उसके अंदर डोरी डलती है। और जनाब ये देख सकते हैं, ये ड्रेस बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। इसमें ये बटन पट्टी कुछ इस तरह से लगाई है, और साथ ही ये डोरी हमने अटैच कर दी कुछ इस तरह से। और नीचे आप देख सकते हैं ये पॉकेट्स हैं, ये जस्ट पॉकेट का लुक दिया हुआ है, ये पॉकेट नहीं बनाए हुए, ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से इनका लुक आ रहा है। और जनाब इसके ऊपर हमने बटन्स लगा दिए, ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका लुक आ रहा है। ये इसका बैक साइड है। और जनाब ये देख सकते हैं, नीचे कुछ फिनिशिंग के लिए हमने वाइट फैब्रिक लगाया है, वाइट फैब्रिक कुछ इस तरह से अटैच किया है, ये देख सकते हैं जनाब। होप कि आपको ये ड्रेस पसंद आया हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा ड्रेस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और जनाब ये देख सकते हैं, ये जो ड्रेस है इसके ऊपर पैरेट कलर का हमने कॉम्बिनेशन किया है कुछ इस तरह से, ये पूरा ओवरऑल पट्टी लगाई है, और पट्टी के ऊपर हमने बटरफ्लाइज कुछ इस तरह से अटैच की है, ये देख सकते हैं जनाब कुछ इस तरह से इसका लुक आ रहा है। ये जो है ये पट्टी बनाकर और घेर साथ अटैच किया है, और उसके बाद इसके ऊपर बटन पट्टी लगाई गई है, और स्लीव्स है, स्लीव्स कुछ इस तरह से फ्रिल स्टाइल में अटैच की गई है। और नीचे जो है फिनिशिंग के लिए हमने पैरेट फैब्रिक लगाया है, जो आप देख सकते हैं आपके सामने है जनाब। ये इसका ओवरऑल लुक है। और जनाब ये इसका बैक साइड है, बैक साइड कुछ इस तरह से हमने बनाया है, आप देख सकते हैं। तो जनाब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा ड्रेस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और नेक्स्ट टाइम आप किस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।